आप राहुल कोच को जवाब दे चुके हैं तो हम आपको आज ही लंकापति का राजा घोषित करते हैं। यहाँ आपका हक है, यहाँ आपका हर प्रकार से सत्कार किया जाएगा और मैं ये प्रतिज्ञा करता हूँ नाका विजय होने पर मेरा राज्य आपको ही दिया जाएगा। सुप्रीम जी आप इनके आराम की तथा विश्राम निवास की पूरी तैयारी कीजिए। भविष्य जी तो ठीक है सुग्रीव जी, आप सबकी अनुमति से मैं अंगद को वहां पर भेजता हूं और रावण को समझने का मौका देता हूं। बेटा अंगद आप मेरे पास आओ। बेटा अंगद अभी तुम छोटे हो, बहुत ही धैर्य पूर्वक से काम लेना और अपना पूरा ख्याल रखना। एक बार उसको समझा देना, अगर वो ना समझे तो अपनी तरफ से बेटा उसको जंग का ऐलान कराना। मैं अभी जाता हूँ और उसको समझा के आता हूँ। मेरे समझाने के बावजूद अगर उसकी अगर ठिकाने पे ना आई तो उसे जंग का ऐलान करके आता हूँ। ठीक है बेटा जाओ। आपकी मेहरबानी है।
पहचाने हैं किंतु मुझे इस बात की हैरानी है कि तूने जे नीच कार्य करने की बला क्यों खानी है आप मुझे कुछ भी कहें नीच पति की आत्मा की बातों का कहां बुरा मानना लेकिन इन बातों का सहन करते हुए अपने कर्तव्य का पालन करना भी जानता हूं जहां तक मुझे ज्ञात है आपके बीच और मेरे पिताजी के बीच कुछ गहरे संबंध ही नहीं बल्कि एक दूसरे के मेहमान भी रह चुके हैं और कुछ काल तक एक दूसरे के खास मेहमान भी रह चुके हैं इसलिए मुझे आपके साथ कितनी हमदर्दी है और तो भी आपको हनुमान जी द्वारा चेतावनी भेजी गई है मेरे पास इतना अवकाश नहीं कि मैं व्यर्थ में तेरी लेक्चर वाली सुनूं कुछ अपना अभिप्राय भी बयान करते हो क्या चूड़ी पातों में खींचा पान करते हो मुझे श्री रामचंद्र जी ने इसलिए भेजा है कि आप इस रक्त पर आपसे बाहर जा जाए और ईश्वर की सृष्टि का लहू ना बहाए अन्यथा इस लड़ाई में आपको संताप होगा और मेरे अपराध होगा आपकी गर्दन पे पाप होगा पता मेरी आपसे यही विनती है कि आप इस घमंड की कलंक की कुटी को तान दीजिए और सीता माता को श्री रामचंद्र जी के पास पहुंचा दीजिए यद्यपि वे आपसे सख्त नाराज है तथापि वे बहुत शर्म महसूस की है आप एक बार अपने मन की बुराई को साफ करके तो देखिए वे आपको माफ कर देंगे इस बात का जिम्मा मैं लेता हूँ मैं उनकी ओर से आपको क्षमा का वचन भी देता हूँ बस बस हो मत लगाओ ये रा अपने जवान को था क्यों इतने बक बक लगाई है क्योंकि तेरी मौत तुझे जहां खींच लाई है अरे निवेश तेरे जैसे नलायकों का भी जिंदों में शुमार है जो कि अपने बाप के घातकों से बदला लेना तो दरकिनार उल्टा उनका ही खिदमतकार बना है अरे बेशर्म तेरे जीने पर भी गिरफ्तार है तेरे जैसे कपूर से तो अच्छा था कि पानी पुत्र ही मर जाता तो उसकी आत्मा को इस तरह दुख ना पाता मैं सत्य कहता हूं यदि तेरे जैसे फाजी मेरे खानदान में होते तो कट के परलो सिधार के होते शो शो पाप का आज सामने वध हुआ और बेटा खड़ा प्रमाशा देखे तू मरने लायक तू मर बेशरम जिस कुल में तेरे जैसे लाल हो पाप के काते का ही अफसोस लाल हो जिसको अपनी शर्म और कैरत का बिल्कुल ना ख्याल हो ऐसा कुल क्यों करना जो फिर सारी दुनिया में ही पैरवार हो स्त्री के वास्ते जिसने अपने ही भाई की जान ली आए बिन लाए तूने भी उसी की नौकरी ठान ली ¡Adiós! ¡Adiós!
Thank you.
تیری اس بےہودہ بکواس کا اتر جوہاں سے نہیں تلوار سے دوں گا تلوار سے دوں گا میں دیکھوں گا کتنے تو اپنا بام کتنی دیکھ